एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 9। अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल विद डायामीटर 35 मिलीमीटर। एक ब्रोच जो है वो हम बना रहे हैं सर्कुलर शेप में, जिसका डायामीटर कितना है 35 मिलीमीटर mm। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायामीटर्स विच डिवाइड द सर्किल इन टू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन दिस फिगर। देखिए यहाँ पर ये फिगर थोड़ी सही नहीं बनी है, बाकी ये जो सारे एंगल्स हैं ये इक्वल हैं, ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो ये सारे एंगल भी क्या रहेंगे आपके इक्वल रहेंगे। ठीक है, क्या किया गया, एक सिल्वर वायर से पहले तो ये सर्किल बनाया गया, उसके बाद में ये 5 डायामीटर्स जो हैं वो भी सिल्वर वायर की हेल्प से बनाए गए हैं। पहले कह रहा है कि द टोटल लेंथ ऑफ दिस सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कि इसको बनाने के लिए टोटल सिल्वर वायर की कितनी लेंथ की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले तो आप ये सरकमफ्रेंस निकालेंगे, ठीक है, सर्किल की, उसके बाद में ये जो 5 डायामीटर्स हैं इनकी लेंथ को अगर ऐड कर देंगे सरकमफ्रेंस में तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी सिल्वर वायर की जो इसको बनाने में रिक्वायर्ड थी। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए गिवन है हमें डायामीटर, डायामीटर ऑफ सर्किल कितना गिवन है 35 mm। देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्किल विल बी इक्वल टू 35/2 mm, डी डिवाइडेड बाई 2 जो है वही क्या होती है आपकी रेडियस। पहले पार्ट में जो लेंथ ऑफ सिल्वर वायर पूछी गई है तो हम पहले सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 2 × π × r विच इज इक्वल टू 2 × π की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई r की वैल्यू है 35/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 35 को कैंसिल करोगे 5 पे, इनकी मल्टीप्लीकेशन आ गई 110 mm। तो यहाँ ये जो सिल्वर वायर रिक्वायरमेंट, सिल्वर वायर की जो रिक्वायरमेंट थी सर्कमफ्रेंस बनाने में, तो वो तो इतनी लेंथ है। अब क्या करेंगे हम, ये जो 5 डायामीटर्स थे इनकी लेंथ निकाल लेते हैं। देखिए लेंथ ऑफ 1 डायामीटर इज इक्वल टू कितनी है 35 mm, देयरफॉर लेंथ ऑफ 5 डायामीटर्स विल बी इक्वल टू 35 × 5, दैट विल बी ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15 × 2 = 175 mm। 5 डायामीटर्स थे उनकी टोटल लेंथ कितनी हो गई 175 mm। नाउ द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, टोटल लेंथ कैसे आएगी, सर्कमफ्रेंस प्लस लेंथ ऑफ 5 डायामीटर्स दैट इज 110 प्लस में 175 दैट विल बी इक्वल टू 285 mm। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, ये जो ब्रोच है इसके हर एक सेक्टर का एरिया बताना है। देखिए सारे के सारे सेक्टर्स इक्वल हैं क्योंकि इसने कहा है 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो हम कर क्या सकते हैं कि एक का एरिया निकाल लें, सभी का एरिया उसी के बराबर रहेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब सेक्टर का एरिया निकालते हैं तो हमें एंगल की ज़रूरत होती है। देखिए यहाँ पर अगर एक पूरा जो हम देखें, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ और यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल एंगल कितना है हमारे पास 360 डिग्री। ठीक है, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक पार्ट का एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, जो टोटल था 360 उसको डिवाइड करोगे किससे, 10 से, तो कितना आ गया 36 डिग्री। तो हर एक जो सेक्टर है उसका एंगल कितना है 36 डिग्री। यहाँ पर हम कह सकते हैं नाउ एंगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 36 डिग्री। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है θ/360 × π r² विच इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू है 36/360 × π की वैल्यू है 22/7 × r², r की वैल्यू है 35/2, इसका स्क्वेयर करोगे तो 35/2 से फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 से इसको कैंसिल करेंगे 10 पे, 7 से ये 5 पे, 5 से ये जाएगा 2 पे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 2
टू से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 11 पे जाएगा, 11 इंटू 35, 11 इंटू 5 55, 11 इंटू 3 33 प्लस 5 दैट विल बी 38 डिवाइडेड बाय 2 टू जब 4 मिलीमीटर स्क्वेयर, ये जो है रिक्वायर्ड एरिया है हमारा। We'll be right back.